मुंबई से 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक ऐतिहासिक स्थान है जिसका नाम है क्षेत्र माहुली। यह जगह सतारा जिला महाराष्ट्र में स्थित है। यह जगह शिवाजी महाराज के युग से लेकर पेशवाई चीफ्स के अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है। सतारा के आसपास कई धार्मिक स्थान हैं और यहाँ पर कई मंदिर 500 से 600 साल से भी अधिक पाए जाते हैं। यहीं पर भगवान शिव को समर्पित एक पुराने मंदिरों का परिसर है जिसे हम श्री क्षेत्र माहुली कहते हैं। श्री क्षेत्र माहुली कृष्णा और वेन्ना नदी के संगम पर स्थित है। कृष्णा दोनों नदियों में से बड़ी है। इस स्थान को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। भगवान शिव के 3 प्रमुख मंदिर हैं जिन्हें विश्वेश्वर, रामेश्वर और संगमेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ और छोटे मंदिर भी मिलते हैं। विश्वेश्वर मंदिर को संगम माहुली कहा जाता है जबकि रामेश्वर मंदिर को क्षेत्र माहुली कहा जाता है। नदी के एक किनारे पर स्थित मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर कहते हैं। यह वास्तुकला की हेमादपंथी शैली में बनाया गया है। वास्तुकला की यह शैली एक हेमादपंथ नाम के व्यक्ति द्वारा विकसित की गई थी जो यादव साम्राज्य में एक मंत्री थे। उन्होंने मंदिरों के लिए इस विशिष्ट निर्माण शैली को विकसित किया था। आमतौर पर मंदिरों में हेक्सागोनल या अष्टकोणीय यौगिक होते हैं, लेकिन इस विशेष मंदिर में सप्तकोणीय परिसर बनाया गया है जो कि काफ़ी असामान्य है। 6 भुजाएं समान हैं लेकिन 7वीं भुजा अलग है। 7वीं तरफ दीपमाला से अलग होकर मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 2 सीढ़ियां हैं। दीपमाला एक पत्थर से उकेरी गई लंबी संरचना है जिसमें ऊपर से नीचे तक तेल के दीपक लगाने का प्रावधान बनाया गया है। ऐसे में दीपमाल करीब 60 फीट लंबा बना हुआ है। हिंदुओं के लिए जो शुभ दिन होते हैं जैसे शिवरात्रि, एकादशी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों के समय इस पर तेल के दीपक लगाए जाते हैं। सभी शिव मंदिरों में नंदी जी का एक छोटा मंदिर है जिस पर भगवान शिव यात्रा करते हैं। नंदी हमेशा भगवान शिव का के सामने बैठे हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ का नंदी मंदिर भगवान शिव के ऐसे ही कई अन्य मंदिरों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। इस मंदिर की देखरेख औंध के राजा किया करते थे, इसलिए यहाँ औंध के राजघरानों का अंतिम संस्कार किया जाता था, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए नदी के किनारे से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और फिर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुछ और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही हम सभा मंडप में प्रवेश करते हैं हमें एक बहुत ही सुखद और शांति का एहसास होता है। सभा मंडप में पत्थर के खम्भे और एक दूसरे के काफ़ी करीब बनाए गए हैं जिससे यह एहसास होता है कि यह सभा मंडप बहुत छोटा है, लेकिन इसका आकार अगर हम देखेंगे तो वह काफ़ी बड़ा प्रतीत होगा। सभा मंडप से हम मुख्य मंदिर जिसे कि हम गर्भगृह कह सकते हैं उसमें प्रवेश करते हैं। गर्भगृह में काफ़ी अंधेरा मिलता है जो एक शिव मंदिर में सामान्य बात है। गर्भगृह में प्रवेश करते समय हमें एक विशाल घंटी दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि वसई में पुर्तगालियों को हराने के बाद पेशवा के योद्धाओं में से एक चिमजी अप्पा द्वारा इस स्थान पर घंटी लगाई गई थी। वसई मुंबई के ठीक उत्तर में स्थित है। पुर्तगाली भाषा में छापों के साथ घंटी बहुत ही सुंदर और मजबूत है। सभा मंडप में 3 तरफ से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इन 3 प्रवेश द्वारों के जंक्शन पर पत्थर में खुदी हुई एक बहुत बड़ा कछुआ बनाया गया है जो गर्भगृह के सामने फर्श पर खुदा हुआ है। मुख्य मंदिर के अंदर ठंड और अंधेरे का आभास होता है। पिंड जैसे कि इसे कहा जाता है बहुत ही सुंदर है। गर्भगृह के अंदर की मूर्तियां बहुत ही सुंदर और बहुत ही करीने से उकेरी गई हैं। यह मंदिर के अंदर अपार शांति देता है चाहे वह गर्भगृह हो या सभा मंडप हो।
जैसे ही हम मंदिर के बाहर आना शुरू करते हैं, हमें विश्वेश्वर मंदिर की ओर से रामेश्वर मंदिर की एक बहुत बड़ी मंदिर के दृश्य का नज़ारा नज़र आता है। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी में जल स्तर बहुत अधिक होने पर लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने के लिए इस श्रेणी का उपयोग किया जाता था। बाईं ओर एक तरफ हमें एक अलग तरह का शमशान घाट दिखाई देता है। यह काफ़ी हद तक मुस्लिम शमशान घाट जैसा दिखता है। उसी के बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि यह स्थान लिंगायत लोगों के लिए शमशान की भूमि है। लिंगायत हिंदू होते हुए भी शरीर को नहीं जलाते हैं, बल्कि मुसलमानों या ईसाइयों की तरह उन्हें दफनाया जाता है। मुख्य अंतर यह है कि शरीर को कुर्सी पर रखा जाता है और लंबवत दफन किया जाता है। रामेश्वर मंदिर जाने के लिए विश्वेश्वर मंदिर से निकलकर कृष्णा नदी पर बने पुल को पार कर दूसरी तरफ जाना पड़ता है। यह पुल लगभग 80 साल पहले अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था और अभी भी पूरी तरह से ठीक स्थिति में है। दरअसल ईश्वर और रामेश्वर मंदिर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन हमें पुल से इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं। इसी तरह हम क्षेत्र माहौली से संगम माहौली तक आते हैं। रामेश्वर मंदिर के लिए मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह से अलग है। यह भी एक पत्थर से तराशा गया है, लेकिन इसका जो बनावट है बिल्कुल अलग है। विश्वेश्वर मंदिर की तुलना में रामेश्वर मंदिर काफ़ी छोटा है। चूँकि यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित है, यह विश्वेश्वर मंदिर का बहुत ही मनोरम दृश्य देता है, जो कि नदी की दूसरी तरफ है।
Oh.
यहाँ कहा जाता है कि शमशान घाट के पास ही भगवान शिव की उपस्थिति है। यही कारण है कि एक बहुत अच्छी तरह से निर्मित हिंदू शमशान है, जो मूल रूप से औंध राजा के एक राजघराने द्वारा बनवाया गया था। मृत्यु के बाद के सभी क्रियाकर्म यहीं किए जाते थे। मंदिर के ठीक सामने औंध की रियासत के राजधानी की लगभग 2-3 पत्थर की समाधियां बनाई गई हैं, जिन्होंने उस समय मंदिर का रख रखाव किया था। लेकिन चूंकि वहां कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए पता कर पाना मुश्किल है कि ये किन की समाधियां हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि ये समाधियां तभी दिखाई देती हैं जब नदी में पानी का स्तर कम होता है। यह जो स्थान है, इस जगह का रख रखाव देखने में ठीक नहीं लगा। मंदिर परिसर के ठीक बाहर काफ़ी मात्रा में कूड़ा करकट दिखाई देता है। यह देखने में बहुत ही दुख देता है। दरअसल स्थानीय लोगों को खुद इस तरह के परिसर को साफ सुथरा रखने में पहल करनी चाहिए, ताकि उस जगह की पवित्रता बनी रह सके। यहाँ तक कि मंदिर परिसर को भी बहुत साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है।